I'm Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to discuss a very special topic in which we see the semi-conservative model of DNA replication. As you know, it was the scientist Watson and Crick. Watson and Crick ne kya kaha tha, DNA replication jo hai, usse pehle bhi kuch models aaye the like conservative, semi-conservative, dispersive. उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, यू कैन वॉच दैट. सो वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था, डीएनए एप्लीकेशन जो है दैट सेमी कंजर्वेटिव, मीन्स डीएनए की जो स्ट्रेन है ओल्ड वाली, उसमें जब रेप्लीकेशन होंगी तो एक स्ट्रेन पेरेंटल होगी एक नई होगी, बट दे कांट गिव एनी प्रूफ रिलेटेड टू दिस हाइपोथेसिस. देन देयर अनदर साइंटिस्ट कम, दो साइंटिस्ट आए हुज नेम वाज मैथ्यू मिचेलसन. Matthew Michelson and Franklin Stahl. In 1958 में इन्होंने क्या दिया, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. Simply what they told, इन्होंने क्या simply कहा, suppose इन्होंने prove करके दिखाया, if there are DNA two strands when they replicate, here one will be the old and one will be the new. This old strain acts as a template. Template, you know, I will quote here example. आपने जब देखा होगा, जब हम कभी किसी चीज का फोटो स्टेट करवाते हैं तो फोटो स्टेट में क्या होता है, वी टुक अ पेपर, देन सिंपली जो फोटो स्टेट मशीन में होती है उसमें रख देते हैं, जो उसके फोटो फिर दूसरी साइड से उसकी फोटो कॉपी निकल आती है. सो जो पहले वाली कॉपी थी जिसका हम फोटो स्टेट करवाते हैं, दिस एक्ट्स एज ए टेम्पलेट, दिस एक्ट्स एज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट का काम करते हैं. इसी तरह जो डीएनए नया बनता है, वन स्ट्रैंड विल एक्ट एज ए टेम्पलेट. ठीक है, ये समझ आ गया, यही इन्होंने प्रूव करके दिया. अब हाउ दे प्रूव, वी विल सी इट. क्या हुआ, दे टुक इन देयर एक्सपेरिमेंट, दे टुक ई कोलाई, वी नो एस्चेरिया कोलाई अ बैक्टीरियम जर्म नेगेटिव. ठीक है, एस्चेरिया कोलाई दे ऑल्सो टुक 14 NH4Cl एंड 15 NH4Cl solutions. हमें तो पता है डीएनए जो बना होता है, द कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज नाइट्रोजन. डीएनए किसका बना होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती हैं. अगर ये डीएनए है, दीज आर नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है ना, लेकिन जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है दैट्स N14 एंड ये इसका हैवी आइसोटोप है N15. सो इन्होंने क्या किया, उस टाइम दे टुक बोथ, ऑल्सो दे टुक सोल्यूशन ऑफ सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट, density gradient method. सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन इन्होंने क्यों लिया, density जो इन्होंने देखना था, density gradient method, उसके लिए उन्होंने कौन सा सोल्यूशन लिया, सीजियम क्लोराइड. अब मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, NH14 मैंने बताया डीएनए में पाया जाता है, N15. सो इन्होंने सीजियम क्लोराइड का, हम बहुत इससे अलावा और भी जो सोल्यूशन है वो भी ले सकते हैं. ऑल्सो दे टू सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब इन्होंने क्यों उठाया वो भी हम लेटर देखेंगे. सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन अभी इन्होंने क्यों लिया, डेंसिटी चेक करने के लिए. डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा पहले आपको बताता हूं, फिर लेटर हम उसके बाद एक्सपेरिमेंट हम शुरू करेंगे. देन सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब हम किसी सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में लेते हैं, तो जब हम इसे एगिटेट या इसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वे रिवॉल्व इट फॉर 100 or 1000 राउंड्स पर मिनट. जब हमें पर मिनट 1000 या 100 जो है राउंड पर मीटर हम इसे रिवॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, हियर डेवलप्स अ ग्रेडियंट, इसमें एक ग्रेडियंट बन जाता है, इसे हम डेंसिटी ग्रेडियंट कहते हैं. इसमें एक ग्रेडियंट बन जाता है सॉल्यूशन में, जो हैवी सॉल्यूशन है दैट विल अपीयर हियर एट बॉटम,
जो उससे लाइट थोड़ा होता है दैट विल अपीयर हियर, नॉर्मल हम कह सकते हैं, एंड जो उससे कम है दैट विल अपीयर हियर एट टॉप, टॉप पे जो बिल्कुल लाइट होता है दैट विल अपीयर हियर। ये क्या है, सीजियम क्लोराइड की जब हम डेंसिटी चेक करते हैं, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, आपने फिजिक्स में देखा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आपने जब देखा होगा एग्जाम्पल, कोई हम चीज उठा दें उसे पानी पर रख दें, अगर उसकी डेंसिटी जो है मास है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो डूब जाएगी, अगर थोड़ा नॉर्मल है दैट विल रिमेन इन सेंटर, अगर उससे कम है दैट विल फ्लोट, है ना, ये चीज भी हमें मालूम हो गई। अब इसमें इन्होंने क्या किया, अब जब हम देखेंगे एन 15 या एन 14 से हैवी है, अगर एन 15 डीएनए में हो तो हमें वो डीएनए कहां पे दिखेगा, यहां पे, है ना वो यहां पे हमें दिखेगा, अगर 14 वाला है तो वो यहां पे होगा एन 14, इधर क्या होगा एन 15, ये हैवी है, अगर नॉर्मल हो दोनों हो हाइब्रिड हो दैट विल अपीयर हियर एन 14 एंड एन 15, वो हमें कुछ इस जगह पर मिलेगा, है ना। अब ये हम कैसे देखते हैं इस सॉल्यूशन में, हमें ये कैसे पता चलेगा एन 14 एन 15 कहाँ है, उसके लिए और एक टेक्निक है, हम इस सॉल्यूशन को मैंने ही पहले ही कहा था सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में लेते हैं, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में जब हम लेते हैं इस तरह तो यही सॉल्यूशन होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब के अपोजिट साइड में वी पुट फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इस पर फोटो अपीयर होगी, और हम इस पे डीएनए पे जो इस सॉल्यूशन है इस पर लाइट डालते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इस पे यूवी लाइट डालते हैं, जिसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है 20 nm, हमें तो पता है डीएनए कैन अब्सॉर्ब लाइट, द प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए दैट डीएनए कैन अब्सॉर्ब द यूवी लाइट। अब क्या होगा जब हम इस लाइट को इससे पार करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की लाइट को जब हम इससे पार करते हैं डीएनए की, तो अगर सपोज यहां पर डीएनए है एन 15 वाला, इस साइड से भी जब लाइट जाएगी, अब ये एन 15 की प्लेस जो है ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, सो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा, यहां भी हमें फोटो सब कुछ दिखेगा, लाइट आएगी, यहां भी लाइट आएगी, लेकिन इस वाले पोर्शन पर कोई भी लाइट अपीयर नहीं होगी। सो इससे हमें मालूम चलता है, क्योंकि लाइट क्यों नहीं अपीयर होगी, मैंने पहले ही बताया डीएनए कैन अब्सॉर्ब लाइट, डीएनए अब्सॉर्ब लाइट करता है, अब जब डीएनए अब्सॉर्ब लाइट करेगा इधर कोई भी फोटो नहीं आएगी, मीन्स ये जगह खाली है, इससे हमें मालूम चलता है डीएनए यहां पर है, और हम इसे देख सकते हैं ये हैवी वाला एन 15 है वो यहां पर है, इसी तरह हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको मस्ट अंडरस्टैंड होने चाहिए, देन आपको जो एक्सपेरिमेंट समझने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। पहले उन्होंने क्या किया, दे टू एस्चेरी कूलिंग, सपोज दिस इज एस्चेरी कूलिंग, एस्चेरी कूलिंग बैक्टीरियम जो है इसका जो डीएनए पहले अपना वाला होगा दैट विल बी, उस डीएनए में क्या होगा एन 15 एन 14, है ना, नॉर्मल डीएनए, अगर हम भी अपना डीएनए इस वक्त चेक करवाएं तो इसमें क्या होगा, हियर हम क्या देखेंगे एन 14, है ना, नॉर्मल एन 14 है, अब एन 14 को हमें एन 15 में कन्वर्ट करना है ना, ये एन 14 वाली मैं यहां पे रखता हूं एन 14, है ना, एन 14 वाले इन्होंने क्या किया, एस्चेरी कोली को एक ऐसे बीकर में डाल दिया, फिर इन्होंने क्या किया जिसका एक वेसल में रख दिया जिसमें सॉल्यूशन था 15 NH4 Cl, 15 नाइट्रोजन का जो था हेवी वाला था, हेवी नाइट्रोजन किया था ना, अब इसमें इन्होंने एस्चेरी कोली भी डाल दी एंड ग्रो फॉर मेनी जनरेशन, शॉर्ट में इसे लिखता हूं यहां पर GM, इन्होंने इसे ग्रो क्यों किया मेनी जनरेशन के लिए, ताकि ये जो एस्चेरी कोले हैं ये इसका डीएनए लेबल हो जाए एन 15 के साथ, वो कैसे होगा हमें तो पता है एस्चेरी कोले की जब ग्रोथ होगी ये मल्टीप्लाई करेगी, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसे डीएनए चाहिए, है ना, अब ये डीएनए बनाने के लिए इसे नाइट्रोजन बेसिस बनानी है, सो वट ये क्या करेगी, ये नाइट्रोजन इसी इन्वायरमेंट से लेगी, है ना, नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन कौन सा वाला प्रेजेंट है, एन 15 वाला है, तो ये एन 15 वाला नाइट्रोजन उठाएगी, और इसके साथ क्या होगा, जो इसका सभी डीएनए इन्होंने इसे ग्रो किया फॉर मेनी जनरेशन, लाइक
हजार बार 2000 बार इसे ग्रो किया। वी नो एस्टेरिया कोली 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई कर सकती हैं, एक जनरेशन सेल की ग्रोथ सिखा सकती हैं इन 20 मिनट्स, है ना। हमें ह्यूमन्स में 24 आवर्स होते हैं, इसी तरह 20 मिनट्स में एक जनरेशन पैदा कर सकते हैं, इसी तरह एक दो दिन में हम बहुत सारी इसकी जनरेशन जो है बना सकते हैं। सो इन्होंने अब एस्टेरिया कोली को देखा, एक या दो दिन के बाद इसका जो सभी डीएनए था वो लेबल हो गया था N15 के साथ। किसके साथ? N15 के साथ। N15 के साथ जब ये लेबल हो गया था तो इधर जो हमें डीएनए मिला ऐसे, ये कौन सा वाला डीएनए है? N15 वाला, है ना, N15 वाला, है ना। अब N15 वाला ये हम सेंट्रीफ्यूग ट्यूब रहा, सपोज से सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, है ना। सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में हम क्या देखते हैं? डीएनए की देखते हैं, इसमें जो कौन सा वाला डीएनए का सोल्यूशन है, डेंसिटी उसकी चेक करते हैं, है ना। अब क्या होगा यहां पर, क्या लगा है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। अब हम इस पे डीएनए के सोल्यूशन इसमें डाल दिया, अब इस पे लाइट डालेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इस पर लाइट डालेंगे, सॉरी इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें फोटो दिखेगी, पहले ही मैंने कहा था। अब जब हमने इस पे लाइट डाली तो इस डीएनए की फोटो जो है हमें वो कुछ यहां पे दिखी हमें, हेवी वाला था ये, कौन सा था? N15 वाले डीएनए की फोटो यहां पर अपीयर हुई, पहले ही मैंने आपको बता दिया। ये फोटो हम कैसे देख सकते हैं, है ना, 20 nm लाइट डाल सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, वो तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये था पहला वाला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, फिर एक सॉल्यूशन में क्या डाल दी, फिर एक सॉल्यूशन में और एक इस वाले N15 वाले में से एक एस्टेरिया कोली को उठाया, सिर्फ एक एस्टेरिया कोली को, और इसमें ग्रो किया। मगर इस ये सॉल्यूशन कौन था? 14NH4Cl वाला सॉल्यूशन था ये, इसमें भी ई कोली ग्रो करवाई, बट ओनली फॉर वन जनरेशन। हियर मैंने लिखा मनी जनरेशन, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, वन जनरेशन। इधर इन्होंने ग्रो किया इसे फॉर वन जनरेशन ओनली, एक ही जनरेशन के लिए ग्रो किया, है ना। अब जब एक जनरेशन बनी, अब इसने रेप्लिकेशन दिखाई होगी, इसको डीएनए बनाना है। अब डीएनए बनाने के लिए भी इसे भी नाइट्रोजन बेस बनानी है, उसके लिए नाइट्रोजन लेना है, वो ये कहां से लेगी, इसे एनवायरमेंट से लेगी, लेकिन अब यहां पर क्या कुछ हुआ, ऐसे हुआ, ये पहली वाली स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड दूसरी वाली है। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या होगी, दी स्ट्रैंड विल एक्ट एज ए टेम्पलेट, मैंने आपको पहले कहा पैरेंटल स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट एक्ट करेगी। अब नई वाली जो स्ट्रैंड बनेगी वो कुछ ऐसे होंगी, है ना, कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे डीएनए बन गया। ये कुछ हाइब्रिड वाला डीएनए है, ये था N15, इसमें कुछ ऐसे हैं N15, यहां पर कुछ ऐसे हैं N14, यहां पर भी कुछ N14, यहां पर कुछ N15। इन्होंने जब पहले ये देखा फोटो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में देखा, इसकी फोटो देखी फोटोग्राफिक प्लेट पे, सो दिस पिक्चर अपीयर्स हियर। मैं ये यहां से ड्रा कर रहा हूं इसे ब्लैक के साथ और ब्लू के साथ भी ड्रा करूंगा कुछ आधा, ये हाइब्रिड वाला है, ये हाइब्रिड था, इसकी पिक्चर यहां पर रिपेयर हुई N14 N15, है ना। इसकी जब इन्होंने फोटो देखी वो यहां पर आई N14 और N15 वाली, मींस इनको ये समझ में आ गया यहां पर ये जो बनी है हाइब्रिड है, है ना, हाइब्रिड है, इसमें क्या एक स्ट्रैंड पेरेंटल है एक नहीं है। देन इन्होंने तीसरे स्टेप में क्या किया, फिर इसी एस्टेरिया कोली को जो इन्होंने यहां पर एक जनरेशन के लिए ग्रो की थी इस सॉल्यूशन में और एक जनरेशन के लिए टोटल NH14 NH4Cl सॉल्यूशन में, फिर इसी ई कोरे सेम ई कोरे को डाल दिया और एक जनरेशन के लिए ग्रो किया वन जनरेशन, टोटल NH14 सॉल्यूशन में एस्टेरिया कोली कितने जनरेशन के लिए ग्रो की, टू जनरेशन, है ना। यही एस्टेरिया कोली हमने फिर NH14 सॉल्यूशन में और एक जनरेशन के लिए ग्रो की। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने फिर एप्लीकेशन दिखाई डीएनए ने, फिर कुछ ऐसा रिजल्ट मिले, क्या एक स्ट्रैंड थी पैरेंटल ऐसे, ये स्ट्रैंड थी ऐसे, है ना, ये स्ट्रैंड थी फिर ऐसे आ जाती एंड ये स्ट्रैंड ऐसे आ जाती,
अब हमें ऐसे डीएनए मिल गया, ये पुरानी वाली स्ट्रेंथ जो थी, अब यहां तक हमें डीएनए मिल गया। इसके बाद क्या होगा, अब जब डीएनए को फिर रेप्लीकेट करना था, उसे रेप्लीकेशन के लिए नाइट्रोजन बेस बनानी थी, वो नाइट्रोजन कहां से लेती, इसी एनएच 14 वाले सॉल्यूशन से तो लेती है ना। अब एनएच 14 वाले सॉल्यूशन को क्या हुआ, इसी से तो दूसरी जो स्ट्रैंड होगी बनी होगी वो तो इसी एनएच 40 से बनी होगी, फिर कुछ ऐसे बनी होगी है ना, है ना, है ना, कुछ ऐसे बनी। फिर इसके बाद ये वाला डीएनए हमें मिला। अब जब इस डीएनए का हमें इन्होंने फोटो लिया, तो फोटो कुछ यहां पर अपीयर हुआ, एक फोटो, इनको दो फोटो मिले दरअसल, एक फोटो इन्हें यहां पर मिला, यहां पर एन 14 वाला आता है ना, एन 14 लाइट वाला नाइट्रोजन है, नॉर्मल वाला, वो यहां पर अपीयर होता टॉप पर, हेवी वाला बॉटम पर, लेकिन इनको इनमें कोई भी हेवी वाला नहीं मिला। दूसरा जो फोटो मिला वो यहां पर मिला, जहां पर एक पहले ही मिला था एनएच 14 एन 15 के ऊपर, मीन ऐसे दो फोटो इन्हें मिले, एक यहां पर मिला हाइब्रिड एंड एनएच 40 वाला एक मिला है ना, ऐसे ही दो फोटो मिले। मीन्स इस फोटो से हमें क्या पता चलता था, जो इसमें फोटो ये डीएनए है, इसमें जो कुछ स्ट्रैंड्स हैं वो एन 14 वाली है एंड कुछ है वो एन 14 एन 15 वाली है। फिर जब हमने देखा इससे, ये हमें, हम भी ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली जो डीएनए है ये हाइब्रिड है ना, दिस इज एन 15 एन 14, दिस इज एन 15 एन 14, और ये बोथ हैं एन 14, ये भी है एन 14। इससे हमें यह पता चलता है ये जो डीएनए की दो स्ट्रैंड्स बनी ये क्या है, दो डीएनए जो हमें मिले वो टोटली जो थे एन 14 वाले थे, लेकिन जो लास्ट वाली स्ट्रैंड्स थी उनमें क्या हमें मिला, वो हाइब्रिड हमें मिला है ना। देखो एन 14 वाला भी है एन 15 वाला भी है, मीन्स दिस हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, इसकी फोटो यहां पर मिली। इस चीज से भी प्रूव हो गया कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव है ना, देख सकते हैं अभी भी एक स्ट्रैंड जो है पैरेंटल एन 15 वाली यहां भी थी, यहां भी थी। हम चाहे इसे कितने भी जनरेशन के लिए ग्रो क्यों ना करें, जो ये लास्ट वाली स्ट्रैंड्स हैं इनमें हमेशा एन 15 एन 14 हाइब्रिड रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि एन 14 एन 15 रहेगा, लेकिन कभी भी इस सॉल्यूशन में हमें ऐसी कोई स्ट्रैंड्स नहीं मिल सकती जिनका डीएनए सिर्फ एन 15 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है फिर हमें फिर इस एनएच 15 वाले सॉल्यूशन में फिर यहाँ कहीं और एक एनएच 15 वाला सॉल्यूशन लेना, उसमें अगर ग्रो करें फिर हमें एनएच 15 एन 15 ये से मिल सकती हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन से हमें यहाँ क्या मिला, सिंपली एन 15 एन 14 एन 15 एन 14। इससे ये क्लियरली इंडिकेट हो गया कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव एंड जो रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हैं, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी, मैं अपना जो नंबर है कमेंट बॉक्स में दे